मोदी जी, मैं दो पराठे खाऊंगा, कह देता हूँ आपसे। आप सबको एक एक पराठा दे रहे हो, मैं तो दो ही पराठे खाऊंगा। देसी घी के पराठों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो दो ही पराठे खाऊंगा। अखिलेश, सबको एक ही एक पराठा मिलेगा, क्योंकि पराठे खाने वाले अभी काफी लोग हैं। ये देखो केजरीवाल आ गए, और वो देखो दूर को लालू जी भी चले आ रहे हैं, समझे? सब लोगों को एक ही एक पराठा हो पाएगा। अरे मैंने इतनी मेहनत से अपने हाथ से सबके लिए पराठे बनाए हैं, तो सब लोगों को एक एक पराठा मिलना चाहिए, किसी को भी डबल पराठा नहीं मिलना चाहिए, कह देता हूँ मैं। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक पराठे में हमारा क्या होगा? अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, दो पराठे तो होना ही चाहिए कम से कम खाने के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपके पराठे में से, और ये आपने जो पत्तल पे आलू की सब्जी रखी है, पूरे पूरे आलू की, वो सब्जी भी बहुत बढ़िया है। आलू की सब्जी के साथ पराठा खाते हुए बहुत मजा आएगा, कम से कम दो दो पराठे तो होना चाहिए, एक पराठे से कुछ नहीं होगा। अरे मोदी जी किधर बैठूं ये बताओ, पूरे के पूरे केले के पत्तल पे तो आप चारों लोग बैठ गए, मुझे तो बताओ मैं कहां पर बैठूं? ये बताओ केजरीवाल जी, जब देर से आओगे तो बैठने की तो दिक्कत होगी। ये अखिलेश, राहुल, योगी जी पहले आ गए थे, इसीलिए ये पहले पत्तल पे बैठ गए। अगर तुम पहले से आ जाते तो तुम भी पत्तल पे बैठ जाते, लेकिन अभी काफी जगह है, तुम भी बैठ सकते हो, आओ मेरे बराबर में बैठो। मोदी जी आपके पराठों की देसी घी की खुशबू तो आधा किलोमीटर दूर से आ रही है, क्योंकि मैं आधा किलोमीटर दूर से खुशबू सूंघते सूंघते आधा किलोमीटर से मैं पराठों की तरफ बड़ा चला आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी मेरे बैठने की जगह करो, मैं भी बैठूंगा पराठा खाने के लिए, बहुत तेज भूख लगी है। कम से कम चार पराठे मुझे दे दो मोदी जी। अरे लालू जी, चार पराठों की बात कर रहे हो, दो पराठे तक नहीं मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि ये मोदी जी सबको एक ही एक पराठा दे रहे हैं खाने के लिए। अब बताओ क्या करा जाए, एक पराठे में क्या होगा? ये देखो इतने अच्छे अच्छे पराठे बनाए मोदी जी ने अपने हाथ से, लेकिन एक पराठा खाकर क्या हो जाएगा? अगर राहुल तुम्हारा एक पराठा खाने में कुछ नहीं होगा, तो ऐसा करो ये पराठा यहीं पे रख दो, मैं दो पराठे खा लूंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी सर जी, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, आज के बाद मैं आपके स्कूल में कभी भी पढ़ने के लिए नहीं आऊंगा। ये बताओ आप क्लासरूम में पढ़ाई छोड़कर कैरम का खेल सिखा रहे हो हमें? अरे राहुल, पढ़ाई के साथ साथ कैरम का खेल भी सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा है बातों ही बातों में, मैंने अमित शाह जी का स्कूल है जो सामने, उनके स्कूल के स्टूडेंटों से मैंने तुम लोगों का कंपटीशन कराने की शर्त लगा ली है, और अमित शाह जी से मैंने कहा है कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट ही कैरम का खेल जीतेंगे। लेकिन मोदी सर जी, ये आपने बिना सोचे समझे कैरम के खेल के कंपटीशन की शर्त क्यों लगा ली अमित शाह जी सर के स्कूल के स्टूडेंटों के साथ? ऐसा है मोदी जी, एक बात बताऊं, अमित शाह जी के स्कूल के स्टूडेंट कैरम का खेल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और हमें तो इस कैरम के खेल का ABCD भी नहीं आता है। हाँ, हम कबड्डी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कबड्डी की खेल की शर्त लगा लो उनके स्टूडेंटों के साथ हमारी। राहुल, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब लोगों को कैरम का खेल सिखाने के लिए मैंने ये देखो योगी जी को बुलाया है, ये अपने गांव के कैरम के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, ये तुम लोगों को कैरम का खेल खेलना सिखाएंगे। वैसे मोदी सर जी एक बात बताना, हमारा कंपटीशन है कितने दिन बाद? आपने अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ हमारे कंपटीशन की किस दिन की तारीख रखी है, किस दिन हम दोनों मिलकर खेल खेलेंगे? अरे केजरीवाल, तारीख तो कल ही की है, कल तुम सब लोगों को अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ प्रतियोगिता करना है, और जीतना है, हारना नहीं है। योगी जी, इन्हें कैरम का खेल सिखाना शुरू करो, बहुत अच्छी तरीके से सिखाना, समझ लेना, हारना नहीं है इन लोगों को। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक दिन में मैं कैरम खेलना कैसे सिखा सकता हूँ इन सब लोगों को? कम से कम एक महीने की तो तारीख रखते सिखाने के लिए, मैं एक दिन में इन्हें कैरम का खेल खेलना नहीं सिखा सकता, मैं जा रहा हूँ वापस। योगी जी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, देखो मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने अमित शाह जी के स्टूडेंटों के साथ इन सब लोगों की प्रतियोगिता के लिए जमान दे दी है, इसीलिए इन्हें सिखाना ही होगा तुम्हें। लेकिन मोदी सर जी, हम तो कैरम का खेल सीखना ही नहीं चाहते, हम नहीं खेलेंगे कैरम का खेल। अच्छा मोदी सर जी, आप ये एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि अमित शाह जी को मैंने जुबान दे दी है, जुबान तो आपके मुंह में है, जुबान कहां पर दी है आपने? अखिलेश ज्यादा मजाक मत करो, एक दिन में तुम्हें कैरम का खेल सीखना है, आखिरी वार्निंग है। योगी जी, एक दिन में सिखाओ इन्हें कैरम का खेल, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मम्मी जी, इतना भारी ये डामर का ड्रम सर पर रखकर कहां ले जा रही हो, ऊपर से साइकिल चला रही हो आप? भूल गया मेरा बेटे राहुल, इतनी जल्दी भूल गया कि अपने गांव की पूरब वाली कच्ची सड़क अब डामर रोड से बनाई जा रही है, उसका मैंने ठेका ले लिया है, एक ड्रम डामर कम पड़ गया था तो इसे शहर से खरीद कर ला रही हूँ। लेकिन सोनिया जी, जब ये राहुल है तो आप इतनी मेहनत क्यों करती हो?
मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, राहुल के होते हुए आप इतनी ज्यादा मेहनत करती हो। राहुल इस डांबर के ड्रम को अपने ऊपर रख और इस ड्रम को जहाँ पर रोड बनाया जा रहा है वहाँ पर देकर आ। मोदी जी ज्यादा बातें तो मिलाओ मत, पूरा दिन आप इसे राहुल को लिए लिए घूमते रहते हो और मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। ये बताओ, पूरा दिन आप और राहुल दोनों लोग घूमते रहते हो, इसी वजह से राहुल कोई काम नहीं करता है। अब मुझे ही घर का काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करना पड़ती है और मेरे काम करने में कोई हर्ज थोड़ी है। ये देखो बहन मायावती जी भी कार का टायर लेकर कहीं पर जा रही है। ये बात सोनिया जी आपने बिल्कुल सही कही, ये मोदी जी राहुल को पूरा पूरा दिन अपने साथ घुमाते रहते हैं, इसीलिए राहुल कोई काम नहीं करता है। वैसे सोनिया जी मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, इस डामर के ड्रम में कितना वजन है? इतने वजन को आप सर पर रखकर साइकिल चलाकर ले जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताओ इस ड्रम में कितना वजन है डामर के? अखिलेश इस डामर के ड्रम को अपने सर पर रखकर साइकिल चलाकर देख, पता चल जाएगा कितना वजन है। अरे इसमें बहुत वजन है, बेहिसाब मेहनत करना पड़ रही है। लेकिन सोनिया जी एक बात बताऊं, इतना मेहनत आप ही कर सकती हो, हम तो अपने सर पर इतना भारी डामर का ड्रम लेकर और साइकिल चलाकर तो चल ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत मेहनत करती हूँ आप, इस बात की तो मैं दांत देता हूँ। और आप ये क्या कह रही हो कि मैं राहुल को अपने साथ लिए फिरता रहता हूँ? अरे मैं राहुल से कहता हूँ तुम अपना काम करो, लेकिन ये मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है, पूरा दिन मेरे साथ घूमता रहता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, जब आप घूमोगे तो राहुल क्यों नहीं घूमेगा? कोई काम करना तो शुरू करो। कुछ दिन पहले आपने एक परचून की दुकान खोली थी, वो दुकान भी बंद कर दी। मायावती जी मैं ये बताओ, उस दुकान को बंद नहीं करता तो क्या करता, सारे के सारे गांव वाले मेरी दुकान को उधार खा गए। और मैं लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।